नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्म चिंतन की क्षण, अपने कार्यों भूल हो जाना और सफलताएं मिलना कठिनाइयों आने एक स्वाभाविक बात है। कई लोग इसके बारे में सोच विचार में इतने खो जाते हैं कि सारी शक्ति प्रवाह उसी केंद्र पर लग जाता है, अन्य कार्यों का ध्यान ही नहीं रखना। अपने भूलों गलतियों के पश्चात ज्ञानी में ही सारी शक्ति नष्ट हो जाती है, उससे दूसरी हानि होती है, काम की प्रगति रुक जाती है और चिंता सुरसा की तरफ घेर लेती है। आज वक्ता और लेखक स्वयं वैसा आचरण नहीं करते जैसा कि दूसरों के कराना चाहते हैं, जबकि चारित्रिक शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उपदेशक दूसरों के सामने अपना आदर्श उपस्थित करें, यानी सद्भावनाओं की संपत्ति को संसार में बढ़ाया जाना उचित है और आवश्यक है, तो उसका प्रथम प्रयोग अपने आप पर ही प्रारंभ करना चाहिए। प्रत्यक्ष व्यक्ति स्वयं में वही अपने आप का एक चलता फिरता बोलना विज्ञापन है। यह भी सच है कि विज्ञापन जैसा होगा उसका प्रभाव भी वैसा ही पड़ेगा। बातचीत, वेशभूषा, रहन सहन से मनुष्य का व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। जिन बुरी आदतों से अपना गलत विज्ञापन हो, अपना पूर्णपन जरिए हो, उन्हें छोड़ने का प्रयत्न करना आवश्यक है। विचारों का परिष्कार एवं प्रसार करने आप मनुष्य से महान मनुष्य, दिव्य मनुष्य और यहाँ तक ईश्वरी तत्व तक प्राप्त कर सकते। इस उपलब्धि में आए आने के लिए कोई अवरोध संसार में नहीं। यदि कोई अवरोध हो सकता है तो स्वयं का आलस्य, प्रमाद, असमय अथवा आत्म अवज्ञा को भाव इस अनंत शक्ति का द्वारा सबके लिए समान रूप से खुला है और यह परमार्थ का पुण्य पद सबके लिए प्रस्तुत है। अब कोई ले या उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। पंडित श्री राम शर्मा।